नमस्कार दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर जो है बजाज एम आई कार्ड जो है बजाज कार्ड नॉट एलिजिबल फॉर दिस ट्रांजेक्शन, कॉन्टेक्ट बजाज फिनसर्व LTD टू रिजॉल्व दिस। बताया जा रहा है कि आपका बजाज एम आई कार्ड जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है नहीं चालू है, आप कोई भी प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन जो है नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन आप बजाज एम आई कार्ड से जो है पहले से कोई फ़ोन लिए हुए हैं, लेकिन आप जो बजाज एम आई कार्ड जो है फ्लिपकार्ट पर जो है डालने जा रहे हैं, तो कार्ड नॉट एलिजिबल जो है बताया जा रहा है। तो वीडियो का अंत में कुछ ऐसे हम ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप आसानी से बजाज एम आई कार्ड का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है चालू कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि बजाज एम आई कार्ड से जो है सबसे पहले जो है बजाज स्टोर से या ऑफलाइन दुकान से जो है कोई भी आपको जो है प्रोडक्ट जो है सामान जो है खरीदना होता है, उसके बाद जो भी आपका EMI बन रहा होगा उस EMI को जो है सबसे पहले जो है कंप्लीट करना होता है। अगर आपका KYC भी कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आपका जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है ऑटोमेटिक जो है चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले बजाज कार्ड का जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है नॉट एलिजिबल जो है क्यों बताया जा रहा है, सबसे पहला कारण ये है हिस्ट्री जो है आपका पेमेंट हिस्ट्री। अगर आप बजाज एम कार्ड से जो है पहले से फ़ोन लिए हुए हैं, अगर उसका टाइम से जो है आप EMI पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका जो है लेट चार्ज बाउंस चार्ज के नाम जो है आपसे वसूला जाता है, EMI जो है आपको पे भी करना होता है। तो इसी के वजह से जो है आपका कार्ड नॉट एलिजिबल जो है कब तक बताएगा, इसके बारे में जो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आप बजाज एम कार्ड का जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी चालू है, ऑफलाइन से फ़ोन भी ले लिए हुए हैं, लेकिन आप फ्लिपकार्ट पर जो है कार्ड नॉट एलिजिबल जो है बताया जा रहा था, इसका सही सोल्यूशन क्या है, कैसे हमें जो है कार्ड एलिजिबल करना है, कैसे हमें कंप्लेन करना होगा, आइए आज किस नए वीडियो में जो है हम जानेंगे। तो सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बाबा टेक। चैनल पर नया आया तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टोर से जो है बजाज फिनसर्व ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर देने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो है लॉगिन करना होगा। लॉगिन कर देने के बाद अब आपको EMI कार्ड वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि हमारा बजाज EMI कार्ड जो है चालू है, एक्टिव भी है, यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन फ्लिपकार्ट जो है कार्ड नॉट एलिजिबल जो है बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कुछ यूज में कि हम बजाज EMI कार्ड का जो है लीडिंग ई कॉमर्स जो है चालू है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है चालू है फ्लिपकार्ट पर भी, लेकिन क्यों जो है हमारा कार्ड नॉट एलिजिबल जो है बताया जा रहा है। इसके लिए हमें कंप्लेन करना होगा। कंप्लेन कैसे करेंगे हम? बजाज फिनसर्व ऐप डाउनलोड कर देने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ मेनू वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको नीचे तरफ यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट वाला ऑप्शन पर जो है आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर। इसके बाद आपके सामने इंटरफेस जो है इस पर अगर नजर आ जाएगा, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले जो है कंप्लेन एक दर्ज करना होगा। जो भी आप कंप्लेन दर्ज कीजिएगा तो यहीं पर जो है दिखाया जाएगा, यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि अभी आपका कंप्लेन का जो है रिजुलेशन जो है क्या मिला हुआ है। इसके बाद आपको न्यू रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए लोन आ गया, यही लोन को जो है आप लोगों को चूज कर लेना होगा, आप में जो है दिखाया जाएगा। इसके बाद हमें प्रोसीड वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। अब इसके बाद अब हमें जो है बताना होगा कि आपका जो है अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले प्रॉब्लम जो है चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ से चलिए हम पेमेंट जो है चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है पेमेंट करने में जो है प्रॉब्लम आ रहा है, वह प्रॉब्लम जो है पेमेंट से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर देखें पेमेंट चूज कर लें। इसके बाद आपको सब क्वेरी टाइप को जो है चूज करना होगा। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना होगा, यहाँ पर जो है आपको चूज करना होगा पेमेंट अनसक्सेसफुल। आपको जो है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन को जो है चूज कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे की तरफ में जो है राइज ए रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है डिटेल में जो है डिस्क्राइब करना होगा यहाँ ऊपर में कि अभी आपका जो है क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कि कार्ड नॉट एलिजिबल जो है ऑनलाइन, जैसा कि आप लिख सकते हैं जो भी आपका एरर आ रहा है ऊपर में। इसके बाद अब आप लोग जो है जो भी एरर आ रहा है उस एरर का जो है स्क्रीनशॉट यहाँ से जो आपको अपलोड करना होगा, कहने का मतलब PDF में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, 2 KB के अंदर होना चाहिए। इसके बाद अगर PDF में अगर आपका पासवर्ड लगा हुआ है तो वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपके जो भी है यहाँ पर अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, दूसरा एक ईमेल आईडी डालेंगे, और उसके बाद ये ईमेल मोबाइल नंबर जो है आपको दूसरा डालना होगा। इसके बाद नीचे की तरफ जो है आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। कंप्लेन दर्ज कर देने के बाद 48 घंटे के बाद आप फिर से वहीं से चेक कर सकते हैं कि अभी आपका कंप्लेन का जो है रेजुलेशन क्या मिला हुआ है, क्यों नहीं आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है चालू हो रहा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा होगा, एक नीचे हमें प्यारा सा सवाल पूछ सकते हैं।